हेलो फ्रेंड्स, गुरप्रीत हेयर फ्रॉम वीजा गुरु स्टडी अब्रॉड। कैनेडा का टूरिस्ट वीजा किवें कन्वर्ट करवा सकते हो, दिवाली होलीडेज जो दिवाली दियाँ हो रही उस दे विच की प्रोसैसिंग टाइम रहेगा, स्टूडेंट वीजा, न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीजा, यूरोप का टूरिस्ट वीजा, काफ़ी इनफोरमेटिव वीडियो होने वाली है। सो अगर तुम घूमना चाहते हो काफ़ी कंट्रीज या कैनेडा का टूरिस्ट विजिटर वीजा अप्लाई किया हो, प्रोसैसिंग टाइम जानना चाहते हो, तो यह वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल तुहाडे लई रहने वाली है। सो मेरी रिक्वेस्ट आ इस वीडियो नूं स्टार्टिंग तो लैके एंड तक जरूर देखियो और चैनल नूं मेक श्योर करियो सबसक्राइब करियो। अगर तुसी इंस्टाग्राम ते देख रहे हो तो मेक श्योर करियो फॉलो कर लियो। सो कम टू दी पॉइंट, कैनेडा टूरिस्ट वीजा का वर्क परमिट बंद हो चुका, हुण तुसी कैनेडा का टूरिस्ट वीजा वर्क परमिट दे विच नहीं कन्वर्ट करवा सकते। बट इस दे विच होर कई ऑप्शनस आ, जिवें कि कई असाइलम स्टे उत्थे सबमिट करके फाइल अपनी एक डेढ़ महीने के ओपन वर्क परमिट लै रहे हैं, जिथे कि तुहानू दो तीन साल का टाइम मिल जाता, एक टाइम बोरो करते हो तुसी, जिथे कि तुसी अपना लाइफ सैट कर सकते हो, वधिया रेवीन्यू जनरेट करके इनकम तुसी लै सकते हो। सो डेढ़ साल तो लैके तीन क साल का वर्क परमिट साइलम दे विच मिल रहा। इस तो इलावा बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीजा, तुसी उत्थे कैनेडा दे विच किसे नाल अपनी पार्टनरशिप कर सकते हो, वो पार्टनरशिप बेशक 10% की ही क्यों ना होवे तां वी तुसी PR लै सकते हो। इस तो इलावा बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीजा आ जाता, दैन ये दो तीन एक एवें दी कैटागरीज आ, जिवें कि स्टडी परमिट के भी तुसी टूरिस्ट नूं कन्वर्ट करवा सकते हो। सो टूरिस्ट वाले ये ना समझन कि हुण कैनेडा जाके उत्थे उह सैटल नहीं हो सकते, तुसी बिल्कुल सैटल हो सकते हो, दो तीन इदां दे रस्ते आ। सो ज़्यादा इनफॉर्मेशन लई साडे नाल तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उस तो बाद यूरोप का टूरिस्ट वीजा, वीजा गुरु स्टडी अब्रॉड कर रहा, स्विट्जरलैंड नीदरलैंड की अपॉइंटमेंट मिल रही है। इस दे विच तुसी दो तीन कंट्री का टूर बना के आइटनरी बना के सिर्फ 2-2.5 लाख दे विच तुसी ये कंट्रियां घूम सकते हो। ज़्यादा जानकारी लई तुसी एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीजा जी, क्रिसमस और नवे साल से न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीजा बहुत ज़्यादा लग रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इस साल दे विच कोई खास वीजा नहीं दिता, बट हुण वह क्रिसमस और नवे साल से अपना कोटा जरूर रिलीज़ कर रहा। सो कोई ट्रैवल हिस्ट्री की लोड़ नहीं, कोई ओल्ड फंड्स की लोड़ नहीं, रिफ्यूज्ड केसिस जिहड़े आ उह एक्सेप्टेबल आ। बेशक तुसी न्यूजीलैंड तो ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो तां वी तुहाडा वीजा लग जाता। सो एक तो डेढ़ महीने का प्रोसैसिंग टाइम न्यूजीलैंड का चल रहा। आस्ट्रेलिया का जो टाइमिंग आ 10 तो 15 दिन के आस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा आ रहा। सो बहुत ही राइट टाइम आ, हुण जिन्नियां भी कंट्रीज आ, यूरोप होवे, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा, कोई भी कंट्री है, UK आ, टूरिस्ट वीजा लई सारियां कंट्रियां दे दरवाजे खुले आ और बहुत ही घट पैसे दे विच तुसी ये कंट्रियां दा टूरिस्ट वीजा लैके अपनी लाइफ भी बना सकते हो। अगर तुसी घूमन दे परपस नाल जाना चाहते हो तो भी तुहाडे लई बैटर आ। सो दिवाली दियां छुट्टियां हो रही, बहुत मैसेज आ रहे कि सर दिवाली दी जो अपडेट्स आ वो दसो कि जो हुण होलीडेज होणगियां किन्ना कु लेट होगा। सो इस दे विच कोई ज़्यादा नहीं, 5 तो 6 होलीडेज ही होंदियां दिवाली दियां हर साल। और कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस जिन्हों आप शन्यूक कहने आ, वह सॉफ्टवेयर वीजे जरूर दिंदा, वीजे हो जां रिफ्यूजल मतलब रिजल्ट जरूर आउंदे आ। सो दिवाली का थोड़ा स्लो होगा, प्रोसैस हो ही चुकिया, बट 2-3 तरीक तो बाद पहला मंगू ही उही जिहड़ा लैवल ते आजूगा, पुराने जो प्रोसैसिंग टाइम आ उसनों ही मैच कर जूगा। सो दिवाली दियां छुट्टियां दा कोई ज़्यादा असर नहीं पैंदा, क्योंकि हुण बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी अगे वध चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये वीजा रिलेटड तुसी किसी टाइम भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी इनफॉर्मेशन लैना चाहते हो उस दे लई तुसी मैनूं वट्सएप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इन्ना प्यार दिंदे हो, बहुत बहुत धन्यवाद उस दे लई तुहाडा। वीडियो नूं शेयर जरूर करया करो और लाइक जरूर करया करो, क्योंकि एक मोटिवेशन आउंदी है कि नवीं अपडेट्स लैके तुहाडे लई मैं आउंदा रहा। सो वीजा गुरु स्टडी अब्रॉड हमेशा तुहाडे लई काम करदा आ, तुहाडे नाल एक साडा रिलेशन बनिया होया, एक फैमिली रिलेशन जिन्हों कह दिए। सो विश्वास ते खरे उतरे असी हुण तक जिन्ने भी सालों तो काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, किसी भी इनफॉर्मेशन लई किसी टाइम भी कॉन्टैक्ट करो, 100% प्योर और ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਓਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।